मैंने ना ये जो आप जैकेट्स देख रहे हो मेरे हाथ में 20-20 रुपए में उठाई हैं। बहुत दिनों बाद अपनी शक्ल देखी। तो भाई मजाक देखो जरा मेरे साथ क्या हो रहा है। नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार एक और नई सुबह हो चुकी है और एक्चुअली मेरे लिए तो दोपहर हो गई है क्योंकि आज हमने बहुत लेट स्टार्ट करा है अपने सफ़र को। ये बिजली खड़ी है एक्चुअली ना। रात को हुआ क्या कि मैंने एक नया सिम लिया था, वो चला नहीं, तो मुझे सुबह भी 3-4 घंटे जब तक वो दुकान खुली नहीं उस चक्कर में भागा दौड़ी करनी पड़ी और उसमें ना टाइम वेस्ट हो गया। अभी बज रहे हैं 1 या 1.5। यहाँ से ले है 35 किलोमीटर दूर, ठीक है 35 किलोमीटर ही है सिर्फ। एक्चुअली कल मैं लाटो में रुकना था मेरे को, लेकिन मैं उपशी आ गया और उपशी के बाद मैं आ गया कारू, तो कारू से ले सिर्फ 35 किलोमीटर है। आज हम अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे। दिल्ली से हमने सफ़र शुरू किया था और आज हम ले पहुंच जाएंगे, तो ऑफिशियली लद्दाख एंट्री ले लेंगे। बाकी बिजली रेडी कर चुका हूँ, सामान वामान सब रेडी है, सिम भी आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सेस भी कर सकता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से यार इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क ही नहीं था, तो व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। फ़िलहाल तो आ ही रहे हैं, आप लोगों को भी पता ही है, आप लोग रोज़ देख ही रहे हो। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं धमाकेदार शुरुआत के साथ। इस जगह पे जहाँ पे मैं रात को रुका था इसको कारू बोलते हैं, और यहाँ पे ना लद्दाख की सबसे पुरानी और मानी जानी वाली हेमिस मॉनेस्ट्री है। इस बार तो मैं अभी विज़िट नहीं कर पाया, अगर कारू दोबारा आया ज़रूर विज़िट करूँगा। फ़िलहाल हम रोड पे आ चुके हैं, हम तो रोड पे ही हैं इतने दिनों से, और इंडस नदी जो कि हमारे लेफ्ट में है इसके साथ साथ हम ले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाई ये है इंडस रिवर। ऐसा माना जाता है कि इंडस रिवर के आजू बाजू ही, उसके किनारों पे ही मानवता की सबसे पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं इंडस वैली सभ्यता, वो जन्मी थी। और वहीं से कहीं ना कहीं इंसान धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ता गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हो सकता है इसी सिविलाइजेशन में से आए हों। और आप ये देख सकते हो ये नदी जो है ना बहुत पीछे से आती है और लद्दाख वैली में से होके गुजरती है, और ये जो जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ और जहाँ आप मेरे को अभी देख रहे हो ये लद्दाख वैली है पूरी, ठीक है। और हम बढ़ रहे हैं ले की तरफ जो कि इस तरफ है, और यहाँ का जो कहीं ना कहीं यार लैंडस्केप है ना बहुत अलग है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने फ़ोटोज़ में देखा था लेकिन यहाँ आके देखना बिल्कुल अलग ही है भाई, बिल्कुल अलग है यार। तो हम अगले कुछ महीनों तक या अगले कुछ हफ्तों तक लद्दाख एक्सप्लोर करेंगे। महीना तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हम लोग अगले कुछ हफ्तों तक लद्दाख ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, और आपको मैं नई नई चीज़ें दिखाऊंगा अपने नज़रिए से, और आप लोग मेरे को अपने विचार कमेंट्स में बता सकते हो। यार हर तरह से मिट्टी की ईंट से दीवारें बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से घर भी बनते हैं, पता है। मतलब दिखाऊंगा अगर मेरे को दिखा तो, कुछ ऐसा रास्ता यार। और अभी ठंड हो गई है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले तो इतनी धूप थी ना, ये देखो जैसे ये घर मिट्टी की ईंटों से ही बना है और उसके ऊपर से फिर इन्होंने लगा दी हैं चीज़ें। भाई ये देखो मेरे राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर सी मोनेस्ट्री लग रही है मेरे को, पहाड़ के ऊपर। वाह, ये क्या है मुझको पता नहीं है, लेकिन हम आएंगे यहाँ दोबारा। हेलो, बोल रहा था, बहुत ही सुंदर है। अरा अरा अरा। और काफी बड़ी भी है भाई। तो भाई ये है रियर व्यू मोनेस्ट्री का जो मैंने आपको आगे से दिखाई, और ये ना प्रेयर व्हील्स की वॉल जा रही है ऊपर तक, वो ऊपर तक, ठीक है। प्रेयर व्हील्स होते हैं बेसिकली ना, आप उसको घुमाते हो और उससे आप प्रेयर करते हो, कुछ भी आपको, जैसे भी आपको जो भी प्रार्थना करनी होती है। और आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक जा सकते हो।
फिलहाल हम ले जा रहे हैं, ये रणबीरपुर है, रणबीरपुरा में ये मनास्ट्री है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो। बाकी हम तो ले जा रहे हैं, अभी हम काफ़ी दिन हैं यहाँ पे, तो काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाद में भी मनास्ट्री भी बाद में घूम सकते हैं, तो चलते हैं। 20 किलोमीटर कुछ बचा है अपने पास। ये है ले के रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा टाउन, चोगलमासूर ऐसे कुछ नाम है। एंड मेनली ना यार ऐसे टाउन्स जो होते हैं वो मार्केट, इनकी मेन मार्केट ही होती है, बाकी तो बहुत कम घर वगैरह होते हैं। बेसिकली ये होते हैं ना ट्रांजिट टाउन्स ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ से होके लोग निकलते हैं। तो भाई मजाक देखो ज़रा मेरे साथ क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर बचा है ठीक है ले के लिए, लेकिन अपहिल है यार, 1.5 किलोमीटर अपहिल तो मैं यहीं से देख रहा हूँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऊपर चढ़ाई चढ़ने का, हालांकि पीछे भी मैं चढ़ के आया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन यार क्या करें, अपहिल तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। चलो चढ़ेंगे। ओ यार साइकिल में से ना आवाज़ आ रही है, वो पीछे वाले टायर में कुछ अटक रहा है, मेरे हाथों से ठीक तो नहीं होगा, वो कहीं दिखा के ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो ब्रेक है वो भी ज़बरदस्ती का लगा हुआ है, तो ये ढंग से चल नहीं रही है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड स्लो हो रही है। आप देखोगे ना तो ब्रेक जो है ना यार उसकी वायर हट चुकी है, समझ रहे हो, मतलब वो एक जगह पे ऐसे फिक्स हो गई है कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो ब्रेक लगा हुआ है। और आज से नहीं, ऑलमोस्ट 2 दिन से लगा है, जब से मैं पांग से निकला हूँ, तो मुझे लग रहा है शायद इसी की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। अब कुछ कर नहीं सकते, ले जान मतलब ले हम आ ही गए हैं, कल दिखाऊंगा, आज आराम करूंगा, कल दिखाऊंगा। हम यार पहुंच चुके हैं ले में, और मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये है यहाँ के किसी राजा का, इनका नाम था सिंगे नामग्याल। और इस स्टॉप पे से मेरे को अब कहाँ जाना है ना, मेरे को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बस स्टॉप जाना है, बस स्टॉप के पास ना एक रहने की जगह है डॉर्मेंट्री, जहाँ पे मेरे को बेड्स मिल जाएंगे। और फिलहाल मेरे सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, और मुझे पता नहीं है मेरे को इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, इधर से तो मैं आया हूँ, तो अभी सॉर्ट आउट करता हूँ, किसी से पूछता हूँ। यहाँ पे मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, लेकिन वो लोग यहाँ के लोकल ही नहीं थे, तो पूछता हूँ और बस स्टॉप पहुँचता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है, और सामने है बस स्टॉप है ना। फिलहाल बस स्टॉप के 200 मीटर पास हूँ मैं, और मेरे को ये ले के पुराने घर दिख गए, पुराने स्टाइल वाले पहाड़ी पे बने हुए कटे कटे, थोड़ा सा और पास से दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। फिलहाल काफ़ी थक गया हूँ यार, इधर ना अपहिल बहुत है, ये देखो पूरा अपहिल है, अब बताओ इतना अपहिल। और मेरी साइकिल भी ख़राब हो गई ऑलमोस्ट, मतलब स्मूथ नहीं रही बिल्कुल, बहुत जान लगानी पड़ रही है थोड़ी सी भी चलाने के लिए, ब्रेक लग रखा है ऑटोमेटिकली, वो हट ही नहीं रहा है, और सर्विसिंग तो करानी पड़ेगी क्योंकि इतनी चली है तो ये बिल्कुल जाम हो चुकी है, पहिए वहिए ढंग से घूम नहीं रहे हैं, तो कल कराऊंगा, फिलहाल तो जाके रेस्ट करते हैं आज। तो भाई ढूंढ ढूंढ के यार परेशान हो गया मैं, मिला नहीं मेरे को गेस्ट हाउस। थोड़ी देर पहले ना मैं पहुंच गया था ले, तो मैं पहुंच ही गया हूँ, तो अपना दिल्ली टू ले का तो पूरा हो गया, और आज मैं गुरुद्वारे में स्टे कर रहा हूँ। बेसिकली साइकिल वाइकिल मैंने खड़ी कर दी है, बहुत दिनों बाद अपनी शक्ल देखी, बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं था कि टैन वैन सब हो गया, और पता नहीं ड्राई व्राइव सब हो गया, ये सब धूप में रहने से हुआ होगा। यूजुअली होता गया है ना कि मैंने देखा है साइकिलिस्ट लोग अपना चेहरा थोड़ा सा ढक के रखते हैं, बट मैंने वो चीज़ नहीं करी, और कहीं ना कहीं यार पता नहीं इतनी सारी चीज़ों में ना रह जाती हैं कुछ चीज़ें, तो इस चक्कर में रह गया। और अब थोड़ा सा घूमने निकला था,
वैसे तो बहुत थक गया था, लेकिन मन किया थोड़ा सा घूम लूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इधर। साथ ही साथ वैसलीन भी ढूंढूंगा, बिकॉज ये चीज़ मैंने आज ही नोटिस करी है, मे बी आज ही हुई हो, लेकिन अब देखा है तो इसको टेक केयर करना पड़ेगा बिकॉज कुछ ज़्यादा ही हो गया, अजीब सा ही लग रहा था मेरे को। और फिलहाल लेट्स सी, कुछ डंका आपको दिखाने को मिलता है। तो बाकी यार आज का व्लॉग मैंने कुछ खास शूट किया नहीं है, कारू से लेके यहाँ तक साइकिलिंग की थी, बीच बीच में कुछ चीज़ें दिखी थी वो आपको दिखा दी। बाकी कल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वॉकिंग, साइकिलिंग नहीं करूँगा कल, एक दो दिन का अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद साइकिलिंग से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं लेकी मार्केट का आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा लेकी मार्केट का, और आसपास का जो भी थोड़ा बहुत कल्चरल सीन है वो सब शेयर कर दूंगा। बाकी मेरे को भी ज़्यादा अभी नहीं पता है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नेट पे पढ़ूंगा, थोड़ा सा लोगों से पूछूंगा, और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल थोड़ा सा घूम लेता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ, डिनर तो लंगर ही होगा गुरुद्वारे में। बहुत मेहनत लगी यार नीचे से ऊपर आने में, यहाँ तक गुरुद्वारा ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी और भी जगहें मैंने ढूंढी कि मेरे को मिल जाए, लेकिन या तो वो बहुत महंगी थी या फिर अवेलेबल ही नहीं थी जो सस्ती जगह थी, तो इस चक्कर में गुरुद्वारा में स्टे किया फाइनली, एंड नाउ थोड़ा सा घूमूंगा फिर वापस चला जाऊँगा। तो भाई यार क्योंकि ना मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने गाड़ी में डलवा दिए थे, वो तो मैं कल कलेक्ट करूँगा, तो आज मेरे पास कपड़े नहीं है, और मैं चाह रहा था नहा धो के कपड़े चेंज कर लूँ। मेरे को राजा भाई मिल गए मार्केट में, ये ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस पे जाते हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं, बाकी इनका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अभी ना मैं थ्रिफ्ट शॉपिंग करने निकला हूँ, 100 रुपये की ये जैकेट ली है, और भी देख रहा हूँ यहाँ पे थ्रिफ्ट शॉप्स बहुत है, जैसे आप देख रहे हो ये 100-100 रुपये में बहुत ही बढ़िया एक्सपोर्ट वाले कपड़े मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक आध जोड़ी अपने लिए कुछ उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, और सही है, बढ़िया यार, बहुत सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं, मैं अभी ले ले रहा हूँ। लिटरली मैंने ना ये जो आप जैकेट्स देख रहे हो मेरे हाथ में 20-20 रुपये में उठाई हैं, थ्रिफ्ट शॉपिंग, मतलब इतने सस्ते में मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर थ्रेड निकल रहा है, बट इट्स लाइक माइनर डिफेक्ट्स के साथ। और हर संडे को ना यहाँ पे सेल लगती है आपको नए बस अड्डे के पास, नहीं पुराने बस अड्डे के पास, क्या नाम है, मानेसरिंग करके जगह है, वहाँ पे आपको ये सेल मिल जाएगी हर संडे को, जाओ उठाओ, देख के उठा लो, थ्रिफ्ट शॉपिंग में यही होता है आपको देख के उठाना होता है, तो जो भी आपको पसंद आए वो उठाओ, सबसे पहले जाओ, मतलब दोपहर या शाम के टाइम पे जाओ जब मार्केट या सेल शुरू होती है, बाद में जाओगे तो आपको पीसीस थोड़े से ख़राब मिल सकते हैं, शुरू में जाओगे तो आपको कपड़े बहुत बढ़िया मिलेंगे, पीसीस बहुत अच्छे मिलेंगे। तो भाई देखो मेरे को ये चीज़ मैंने डिस्कवर की, आप लोगों को भी बता दी, ले में आओगे अगर संडे को वीकेंड पे हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बहुत प्यारी प्यारी जैकेट्स है, जब मैं पहनूंगा वीडियोज़ में तो देखना। ये है यार मेरा आज रात का स्टे, मैं हूँ गुरुद्वारे में, और यहाँ से ना जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से सामने ले पैलेस दिखता है, जिसकी आपको अभी सिर्फ लाइट्स दिख रही होंगी क्योंकि अभी अंधेरा है, सुबह आपको ले पैलेस का व्यू दिखाऊंगा, प्लस आज मैं यहीं पे सोने वाला हूँ, दिस इज़ माय बेड फॉर द नाइट। इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन दिन की जो एंडिंग है बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, बहुत कोजी सी जगह है ये, बहुत आरामदायक जगह है, मैंने लंगर खाया पेट भर के, मस्त एकदम मार्केट में थोड़ा सा घूमा था। तो इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोस, कमेंट्स आप लोग कर रहे हो मेरे को अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, फिर कल मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।